झांसी से बड़ी खबर आ रही है, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पुष्पेंद्र यादव के परिजनों से मिलकर बता दे कि दो दिन पहले सरकार द्वारा पुष्पेंद्र यादव को फर्जी एनकाउंटर दिखाकर पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई है। हालांकि मीडिया के सामने बोले अखिलेश यादव, मैं चाहता हूं कि हाईकोर्ट के सेटिंग जज को मॉनिटरिंग में जाँच हो और तब फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि ऐसो के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हो, अखिलेश यादव ने कहा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए संवाददाता मनोज कुमार की खास रिपोर्ट। एसओ को बचाने के लिए पूरे अधिकारी एक हो गए हो, सरकार एक हो गई हो, तो समझ लो साजिश कितनी बड़ी है। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एटा में, कासगंज में एक एसओ एक महिला के साथ गलत काम किया उसने, कई महीनों किया, और उस पति को इसलिए कि डराता था कि इनकाउंटर कर देंगे, इसलिए उस महिला के साथ सोने लगा और उसको प्रेग्नेंट कर दिया, गर्भवती कर दिया। जब जनता जानी और जब पार्टी को जानकारी हुई तो उसकी आवाज उठी, और आप पता कर लेना वो एसओ जेल में है, एसओ जेल में है वहां पर एटा में। अगला स्टैंड क्या होगा पार्टी? इसलिए हम कह रहे हैं कि जिसने हत्या की है उसको जेल जाना चाहिए, उसको 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमें शासन और प्रशासन पे भरोसा नहीं है, नहीं है तो फिर जो लोग आरोप हम पे लगाते थे, जो आरोप हम पे लगाते थे कि जातिवादी लोग हैं, क्या प्रधानमंत्री नहीं आए थे जालौन में, क्या भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री, याद कीजिए आप। जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, जिस प्रदेश ने राष्ट्रपति दिया हो, बताओ वहां की जनता को न्याय ना मिल रहा हो। और फिर जिस प्रदेश के एक योगी मुख्यमंत्री हो, वो क्या क्या सिखाएंगे समाज में, क्या दिखा रहे हैं जी? क्या मानते हैं आप घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? पूरा का पूरा पुलिस दोषी है। आपका अगला स्टैंड क्या होगा? बीजेपी का आज भी पूरा पुलिस दोषी है इसके अंदर। हमारा मानना है कि हाई कोर्ट के माननीय सिटिंग जज की जांच होगी तो दूध का दूध पानी पानी का पानी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि हम न्याय के लिए जो भी रास्ता है वो अपनाएंगे कि न्याय कैसे इस परिवार को मिले। मोहन भागवत ने मॉब लिंचिंग को लेकर सवाल उठाया। मैं आपसे कह रहा हूँ, कल भी मैं मुलाकात कर रहा हूँ आपसे, न्याय दिलाने के लिए कुछ भी करेंगे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बातें हैं, क्या करोगे उनकी बातें सुन करके? क्या पता है उनको? मैं पूरी पार्टी और हम इस परिवार के साथ खड़े हैं, और जहाँ कहीं भी किसी तरीके से फेक इनकाउंटर अगर हुए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ खड़े दिखाई दिए हैं। और आपको जान कर करके ये जान करके ताज्जुब होगा कि देश में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट कमीशन के अगर नोटिस किसी सरकार को मिले हैं तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिले हैं। कस्टोडियल डेथ अगर कहीं सबसे ज्यादा हुई है तो वो आपके उत्तर प्रदेश में हुई है सबसे ज्यादा। कानून व्यवस्था में भी लगातार नीचे जा रही है और भ्रष्टाचार